Hey guys, good morning and welcome to our channel. Today is 15th of April and today is Poila Vaisak, that is Bengali New Year. Today begins the Bengali calendar and yes, aaj show kuch special banayenge, kuch acha banayenge. So, आज तो बस चलने वाला है फोन कॉल्स. सब अपने बड़ों को हम फोन करेंगे तो वो तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है. पापा को फोन, दादा को फोन, सबको फोन करके विश करेंगे. आज तो बड़ा मजा आएगा. मिलती हूँ आपको फटाफट स्नान करके नहा के, बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट आज स्किप करने वाली हूँ. या तो आई गो विद अ एप्पल, एक एप्पल खा लूंगी एंड देन गो फॉर बाथ फटाफट. हे गाइस, मेरा नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट. मैं भी पापा से बात भी कर चुकी हूँ, ओल्टो से भी बात कर चुकी हूँ. दादा उठा नहीं है तो उससे बात नहीं हुई है. बाकी सब रिलेटिव से पूजा वूजा करके फिर बात करूँगी एकदम फ्री होके. तो यस, जाते पूजा करने. आज थर्सडे है, बड़ी लक्ष्मी पूजा होती है, फिर साईं बाबा की पूजा होती है, तो लंबा टाइम लगता है. मैंने साड़ी नहीं पहना अभी बिकॉज बहुत गर्मी है और मुझे बहुत काम है. सो सब काम फिनिश करके दोपहर को पहनेंगे साड़ी. पूजा के बर्तन धुल रहे हैं, बन रहा है भगवान का प्रसाद, शीरा थोड़ा सा. भालो ब्राउन करो कि नहीं? ना ना, जैसी ब्राउन करो तो. तो हमारे दोपहर का सब प्लान कैंसिल हो चुका है. घर का नॉर्मल खाना ही बनाएंगे. रात को कुछ बनाएंगे, पूरी वगैरह, क्योंकि आज थर्सडे का पूजा होता है तो फिर ऐसे ही लेट हो जाता है हमको. यस, रात को बनाएंगे. गाइस, हमारा शुभ नव वर्ष है आज. शुभ नव वर्ष टू ऑल द बंगाली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड टू एवरीवन आउट देयर. आफ्टरनून में लंच इतना हैवी हो गया कि हम लोग सब सो गए. अब जाके उठे हैं और फ्रूट खा रहे हैं. हमारी मम्मी सोचे चिकन और पूरी हम लोग में बनाते हैं, लुची मांसो बोलते हैं उसको, वो बनाएंगे. दैट्स आवर फेवरेट. वो तो बनाएंगे अभी. मैं तो अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ. बस थोड़ा सा डिप्रेस भी लग रहा था पापा के लिए, मन भी बहुत खराब हो रहा था कि वो होते तो हम हर ईयर ही ऐसा लगता है कि वो होते तो सब कुछ डिफरेंट होता. उनकी कमी महसूस होती है कोई भी फेस्टिवल है, तो इसीलिए वो छूट भी नहीं किया. आज अच्छा ही नहीं लग रहा था, सो गई. ऑल द इम्पोर्टेंट डेज वी मिस हिम सो मच सो मच. All we want him is back in our lives. Whatever we are today is all because of him. Is all because of this person. हम ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते, just because we start crying. We cry a lot. वो जाने के बाद ही उनका important don't bring up the topic so much just because first we cry and then mom cries a lot. That is the reason we don't bring up the topic. But we miss him so much every day. Especially Annu, because we got married and within 11 months of time he passed away. And used to love her so much. Used to love her so much. This October it will be 5 years that he is gone. So whenever there is such a occasion for us, it feels really bad. We feel that vacuum in our life. Especially I don't
don't bring up the topic, and I see, I have a constant feeling, I have that subconscious thing going in my mind ki he's not there. So I always cry with him. दुकान खोला था क्लास के माँ और तुम बेबे चिलो किए और बोले कि चुएक का किनी नहीं आया, तुम जामा का पुर किनी नहीं आया। रिकॉर्ड कहाँ देना? आज के दिने कांते नहीं बेटा। आज के वो तुम बच्चों तुम्हें बोलो तो माँ मायर भी तुरे कोतो पस्त हो। अभी ना बोल बोल सब ओके। Say happy new year, दीदी। नवो Hey guys, मैंने आज दोपहर से कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई वॉज अ लिटिल अपसेट एंड ऑल, मूड भी बहुत ठीक नहीं था। आज त्यौहार है और मैं डैडी को बहुत मिस कर रही थी, बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी नीड टू मूव ऑन। तो आपको मेरे शक्ल से दिख ही रहा होगा, इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी सैड डे फॉर मी, जबकि मैंने सोचा था ये दिन अच्छा होगा, मतलब आई वुड कम आउट ऑफ इट एंड बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनीवेज ठीक है, थोड़ा दुख होना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है, एंड रोना उनके लिए जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनके बारे में बात भी नहीं कर सकती, मतलब मैं बात करना चाहूँ तो भी आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। बस यही है कि मम्मी को हम खुश रख पाए हमेशा, हो जाता है थोड़ा बहुत, पर हम बहुत ट्राई करते कि उनको हंसी खुशी रखे। आई होप आपको भी, आई होप हमको भगवान इतनी स्ट्रेंथ दे के हम उन्हें हमेशा खुश रख पाए। तो बस और कुछ नहीं बोलना, आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दिस, तो ठीक है ज़्यादा इमोशनल नहीं करना। एंड चलिए आपको दिखाते डिनर में क्या बना है। एक्चुअली कुछ किया नहीं था आज, हम ऐसे ही इसमें गुजरे, तो आज मैंने थोड़ा अभी रात को चिकन थोड़ा सा मंगवा लिया है एंड पूरी बनाएंगे हम, तो चिकन एंड पूरी खाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए तो आज नाइट स्पेशल बन रहा है चिकन। व्हाट्स स्पेशल टुडे? स्पेशल कुछ नहीं, पूरी के साथ खाने के लिए थोड़ा सूखा सूखा कसूरी मेथी और वो सब डाल के, तो देखते कैसे बनता है। शुभ नव वर्ष सबाई के, शुभेच्छा ভালোবাসা, আনন্দ করে সবাই থাকো, সারা বছর ভালো যাক, सुस्त थाको। इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दो। हाँ, सब कोई अच्छे रहो, सुखी रहो और रोग मुक्त रहो। आज कुछ किया नहीं है तो आज किचन सीरीज भी ले ही लेते हैं। हे गाइस, तो हमने ये पोटली बनाया है, बताएंगे उसके बारे में। कर्पूर और क्या है इसमें, कपूर, लौंग, अजवैन, यूकेलिप्टस ऑयल, मेरे को बोलने भी नहीं आता, मेरा मैं फंबल हो जाता, फंबल, यूकेलिप्टस क्या है, यूकी क्या है, नीलगिरी का ऑयल, सिंपल सिंपल बोलो, नीलगिरी का ऑयल। हाँ अच्छा लग रहा है। कमलेश, इसमें हम लोगों ने सुना है कि इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हम लोगों ने तुरंत बना लिया, सब मास्टर है इधर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले है सब। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। दिस इज आवर चिकन कोसा, इसमें कस्तूरी मेथी, काजू का पेस्ट वो सब डाल के बनाते हैं। सो यस, थोड़ा ऑयली है बट एक दिन चलता है। फाइनली हमारा न्यू ईयर फूड बन रहा है। सो वी हैव अ फुगा हुआ लूची। फुगा हुआ लूची, लूची फुला फुला लूची। वाओ, लूची एंड चिकन। मंटू, अभी हम तुमको एक महीना बाद मिलेगा। 15 दिन के बाद ही मिलेगा, एक महीना नहीं, 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद में तुम लॉकडाउन से निकलेगा, 15 दिन तुम आइसोलेशन में रहेगा, फिर इधर आएगा। हम
तो हम बैठ गए खाना खाने के लिए। चिकन बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग टेस्ट। बाप रे, के रे कोलकाता जाओगे? चटनी अपडेट्स गाइस, थर्ड डे में पूरा सफा चाट हो चुका है। क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। एक गोनी ये लेके आके रखना, एक गोनी मूंगफली और एक गोनी लहसुन, वो भी छिलके। छिलके कितना छिलेगी? छिल छिल के माँ परेशान हो गया, वो उंगली ये हो गया। अभी लॉकडाउन में फिर वही करते, फिर छिलना ही छिलते बैठते। किचन इज ऑल मेस्ड अप, फटाफट किचन क्लीन करते हैं। तो हमने सोचा है कल से हम हमारे मेट्स को नहीं बुलाएंगे, एटलीस्ट 10 to 15 days, बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल आउटसाइड। आज बर्तन भी धोने हैं, ये हम प्रिविलेज है कि हमारे पास है मेट, तो समझ नहीं आता जिनके पास है नहीं वो लोग तो करते ही है ना भाई। हमने सबने अपने अपने काम डिवाइड कर लिए है। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है बिकॉज अनिकेत इज ऑल्सो नॉट गोइंग आउट फॉर शूट एंड ऑल, तो हम घर पे ही अगर रह रहे तो लेट्स ट्राई टू आइसोलेट आवर सेल्फ फॉर लाइक 15 days। आपको थोड़ा बहुत बोर हो जाएगा क्योंकि हम यही साफ सफाई दिखाएंगे, बट ठीक है। बट देन दैट्स एक्चुअली द रियल पार्ट ऑफ अस, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड समथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू शो यू समथिंग दैट वी आर नॉट, सो या वी आर पुटिंग एन एफर्ट दैट वी शो द रियल सेल्फ। हेलो गाइस, तो ये करके आ चुके हैं अपने किचन ड्यूटीज, एंड बहुत सारा ड्यूटीज था, बहुत सारा बर्तन था। लेट्स सी कल का दिन कैसे जाता है, अभी जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है वो 10 दिन हम कैसे मैनेज कर पाते हैं, लेट्स सी। हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने लास्ट 2020 के लॉकडाउन में भी ऐसे ही किया था, सो इट्स वेरी इजी। बट ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड शुभ नव वर्ष फ्रॉम बोथ ऑफ अस, जो कि हम प्रॉपरली आज नहीं कर पाए इन द आफ्टरनून, सो यस नो वरीज, फुल ईयर ही रहने वाला है, सो यस हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। So till then, do like, share, subscribe to our YouTube channel, that is Roshan's Vlog. Give us all the love guys, we need it. We have been getting lot of messages from you guys, very close friends, they've all supported us, they are saying that they love to see us on a daily basis, love her specially to see on daily basis, because I don't come too much in front of the camera, I'm a little shy, so I'll still take a little bit of time to open up, but then we are making sure that we come up every day to you guys and show what we are doing every day. Yes,